हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जातीय समीकरण बैठाने में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। सोनीपत पहुंचे कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने लोकसभा चुनाव में सोनीपत और रोहतक सीट पर इस बार ओबीसी समाज को टिकट देने की मांग की है। साथ ही बीजेपी पर ओबीसी वर्ग को साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बदलने का आरोप लगाया। हरियाणा में 2024 के चुनावी रण को जीतने के लिए राजनीतिक दल जातीय समीकरण को साधने में जुटे हैं। कोई दल पदाधिकारियों को बदलकर तो कोई जातीय समीकरण के हिसाब से चुनावी विसाद बिछा रहा है। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की जगह ओबीसी समाज से नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया, जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बदलने का आरोप लगा रही है। सोनीपत पहुंचे पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने कहा कि बीजेपी जात पात की राजनीति करती है, सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ओबीसी के वोट हथियाना चाहती है और आज नायब सैनी ओबीसी के हित की बात करते हैं, जबकि वो मंत्री थे तब उन्होंने ओबीसी समाज के लिए कोई काम क्यों नहीं किया। पहले नायब सैनी जी मिनिस्टर थे खट्टर साहब की सरकार में, क्या किया उन्होंने ओबीसी के लिए? मेरा सीधा उन्हीं को एक सवाल है कि आप मंत्री रहते हुए आपने क्या किया? आज आपको क्योंकि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो आपको ओबीसी याद आने लग गए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज ओम प्रकाश धनखड़ बनाए थे, वो जगह जगह घूम रहे थे, एक मिनट नहीं लगा उनकी छुट्टी कर दी सिर्फ एक कार्ड खेलने के लिए। वही सुभाष बत्रा ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी हाईकमान से मांग करते हुए कहा कि जिस तरह लोकसभा की दो सीट दलित वर्ग के लिए सुरक्षित रखी गई हैं, उसी तरह रोहतक और सोनीपत में से भी एक सीट पर ओबीसी वर्ग से उम्मीदवार दें। और उसके अंदर ये मांग रखी गई थी कि एक सीट रोहतक और सोनीपत में से ओबीसी समाज के लोगों को मिलनी चाहिए। और मेरा तो मत ये है, मैं तो ये कहता हूँ कि आज कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सेकुलरिज्म के ऊपर टिकी हुई है। कांग्रेस नेता ने कांग्रेस की गुटबाजी पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी फूट नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने ढंग से काम कर रहे हैं, कुमारी शैलजा अपने ढंग से काम कर रही हैं, आने वाले समय में सभी नेता एक मंच पर होंगे और प्रदेश में सरकार बनाएंगे। हमारी जहां तक बात है, आप देख लेना आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी थंपिंग मेजोरिटी के साथ सत्ता में आएगी, सारे लीडर एक मंच पे आएंगे और कोई किसी किस्म की कोई गुटबंदी नहीं है। राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, खड़के साहब, ये सारे अब शैलजा जी पद यात्रा करने जा रही हैं। पूर्व मंत्री ने इस दौरान दावा किया कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में देश में सरकार बनाएगी और विधानसभा चुनाव में हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। हालांकि 3 दिसंबर अब दूर नहीं है, किसके दावे में सच्चाई है खुद ब खुद निकल कर सामने आ सकती है। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।